Assalamu alaikum. Welcome on Evening with Shireen. जिन लोगों को पता है कि आप लोगों की आप ब्रेक पर गई हुई हैं उनको ऑब्वियसली पता ही होगा और जिनको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप लोगों की आपा कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर गई हुई हैं छुट्टियों पर गई हुई हैं और इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगी बट जब तक वो वापस नहीं आएंगी वो ये शो मेरे ज़िम्मे दे गई हैं अब ऑब्वियसली इवनिंग विद शिरीन जब करना होता है इवनिंग विद शिरीन करने की जब बात आती है तो हाथ पांव कांप जाते हैं बिकॉज सबको पता है बहुत बड़ा शो है बहुत फ़ैन फॉलोइंग है बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तो जब मुझे कहा गया कि आपने करना है मेरा भी यही कुछ हाल था अभी भी आप देखेंगे एक दो दिन मुझे लगेंगे सेटल होने में आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट सबसे पहले कि वो हर बार मुझ पर भरोसा करते हैं एंड मुझे यहाँ पर ले आते हैं और ऑब्वियसली व्यूअर्स का भी थैंक यू बिकॉज आप लोगों का ही प्यार है जिसकी वजह से मैं इधर वापस दोबारा हूँ आप अगर देखें तो लास्ट नवंबर की बात है जब मैं इवनिंग विद शिरीन कर रही थी एक साल कैसे गुजर गया इस बार भी पिछली बार की तरह मैं यही कहूँगी कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं डिफरेंट थोड़ी सी अपनी रेसिपीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए सो दैट आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाए कि कुछ आप लोगों ने मुझसे भी सीखना होता है हर वक्त यही मुझे सुन रहा होता मैं सुन रही होती हूँ कि कुछ सिखाएं डिफरेंट डिफरेंट तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट आई होप आपको रेसिपीज़ पसंद आएंगी जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने फीडबैक दिया था उसी तरह इस बार भी दीजिएगा तो इट्स गोइंग टू बूस्ट मी अप मोर आप लोगों ने इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाना है बताना है पिक्चर्स भी भेजें जो जो आप लोग ट्राई करते रहे हो उसकी पिक्चर्स भी आप भेजते रहें मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा आज भी ऑब्वियसली मैं तीन अच्छी बहुत डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एक है टर्किश कबाब प्लेटर कबाब बनेंगे उसके बाद अलग से थोड़ा सा राइस बना के और उसके साथ उसको असेंबल करेंगे प्लेटर में सर्व करेंगे और डिज़र्ट जिस तरह आप लोगों की फरमाइश होती है फरमाइश से याद आया लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी फरमाइशें पूरी की थी तो इस बार भी इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिक्वेस्ट यू आर मोर देन वेलकम आप लोग मुझे मैसेज करें कॉल करें एंड मुझे बताएं आई विल ट्राई टू स्क्वीज दैट इन लास्ट टाइम की तरह जिस तरह मुझे याद है इनफैक्ट कुछ चीज़ें रह भी गई थी तो वो अगर आप लोगों को दोबारा है कि मैं सिखाऊँ तो आप लोग प्लीज़ कॉल करिएगा मैसेज करिएगा कबाब टर्किश कबाब प्लेटर बन रहा है आज और बहुत मज़े का हेज़लनट स्प्रेड के साथ और एक और जो आजकल बहुत मज़े का स्प्रेड मार्केट में आ गया एकदम से हाइप उसकी हो गई है मैं नाम नहीं ले सकती ब्रांड की वजह से बट इट्स अ कुकी मिक्सचर कुकी तो उसके साथ उस हम लोग बहुत मज़े का एक डिज़र्ट बनाएंगे लेयर डिज़र्ट है मैं शॉर्ट ग्लासेस में बनाऊँगी आप लोग उसको एक नॉर्मल बड़े डिश में भी स्टैंडिंग बोल में बना सकते हैं और बहुत मज़े के मटन चॉप्स इन स्टिकी सॉस ये भी बहुत डिफरेंट है पहले चॉप्स को बॉईल करके फ्राई करके और फिर उसकी स्टिकी सॉस बना के उसके साथ सर्व करेंगे डिज़र्ट से पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ हेज़लनट एंड बिस्किट स्प्रेड लेयर डिज़र्ट इस बिस्किट स्प्रेड से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा मैं किस स्प्रेड की बात कर रही हूँ ठीक है अच्छा इसके लिए सबसे पहले करना ये है कि मार्केट में आराम से एक वो मिल जाता है एग पुडिंग मिक्सचर ठीक है वो आपने लेना है दो पैकेट वो दो पैकेट लेके आप सॉस पैन में डालेंगे सॉस पैन में डालने के बाद उसमें आप दो कप दूध डालेंगे दो कप दूध डालने के बाद उसको इतना हम कुक करेंगे कि वो थिक हो जाएगा जैसे ही वो थिकनेस पे आने लगेगा उसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी चूल्हा बंद करने के बाद वो हल्का सा रूम टेम्परेचर पर ला के उसके बाद फिर उसके अंदर मैं इटालिया का कंडेंस मिल्क डालूंगी क्रीम डालूंगी ये सब कुछ फोल्ड करके और क्रीम चीज़ मेन मिक्सचर इसका क्रीम चीज़ है और फिर हम इसको बीट करेंगे फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ते बताती हूँ क्या करना है जिस तरह मैंने आपको बताया मैं इन ग्लासेस में बना रही हूँ बिकॉज लेयर्ड डिज़र्ट होगा तो ये अच्छी खूबसूरत लगेंगी ऑब्वियसली बात है घर में अगर बड़ी दावत होती है तो आप ये इतने सारे ग्लासेस तो नहीं बना सकते हैं तो फिर आप कोई भी अच्छा सा स्टैंडिंग बोल लेके प्रेफर आई वुड प्रेफर कि अगर आप लोग उसको स्टैंडिंग बोल में बनाएं पायरेक्स के लंबे डिश में बना तो सकते हैं ऑब्वियसली कोई चीज़ वो तो नहीं लगती लेकिन खूबसूरती स्टैंडिंग बोल में आएगी नॉर्मल कुकीज़ जो बाज़ार में मिलते हैं वो लेके मैंने इसको क्रश कर लिया क्रश करने के बाद इसमें एक एक टेबल स्पून डाल के और इसमें को मैंने नॉर्मल रेगुलर मिल्क से सोक कर लिया है कोई भी कुकी आप ले सकते हैं आपकी अपनी पसंद है आपकी अपनी मर्जी है इस डिज़र्ट में ये कुकी ज़्यादा फ्लेवरफुल रहता है इसलिए मैंने ये वाला लिया है इसके अलावा
क्रश करना है इसको. इफ़ यू आर मेकिंग इट इन अ स्टैंडिंग बोल तो फिर इसको आप होल भी सजा लगा सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा. बट इन इनमें तो ऑब्वियसली मुझे क्रश करना था. मिल्क से आप इसको सोक कर लें. अच्छा, दूसरी इसकी तीन लेयर्स हैं, ठीक है. एक लेयर कुकी आ गया, उसके बाद ये हम एग कस्टर्ड में क्रीम चीज़ बीट करेंगे, कंडेंस मिल्क इटालिया का बीट करेंगे एंड क्रीम बीट करेंगे. क्रीम इज़ अप टू यू, यू कैन यूज़ व्हिप्ड फ्रेश क्रीम या हम मिल्क पैक की भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर आप देखें मेरे पास हेज़लनट स्प्रेड है जो आराम से बाज़ार में मिल जाता है. इसको मैंने हल्का सा क्रीम के साथ मिक्स किया है जस्ट टू गिव इट अ नाइस सॉफ्ट टेक्सचर. और ये मेरा स्प्रेड है जो मेरा बिस्किट स्प्रेड है, इसमें मैंने क्वार्टर कप वार्म मिल्क डाला और मिल्क पैक की क्रीम डाली क्वार्टर पैकेट. ये सब कुछ डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया. तो ये बेसिकली हमारा चार लेयर का डिज़र्ट बनेगा और फिर ऊपर हम इसकी क्रीम पाइप करेंगे. बस इसको इतना कुक करना है कि हल्का सा थिक हो जाए. एक बॉयल आना चाहिए एंड आई थिंक दैट्स फाइन. और इसमें जो सारी चीज़ें ऐड होंगी वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, गरम गरम में नहीं ऐड करेंगे. अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है. ये बस ये जब तक कुक होगा हो चुका है ऑलमोस्ट. मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आती हूँ. तब तक आप लोग ब्रेक ले लें, मैं कुछ भी नहीं करूँगी. वापस आप लोग आएंगे उसके बाद मैं इसकी बीटिंग करूँगी. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो शौक ना हो, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ 2 से 3 हफ्ते रहूँगी बिकॉज आप लोगों की आपा छुट्टियों पर गई हुई हैं. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी मेरी रेसिपीज़. बहुत चुन चुन के आप लोगों के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने निकाली हैं. आज जो हम फर्स्ट रेसिपी बना रहे हैं दैट इज़ हेज़लनट एंड जो हमारा कुकी हम स्प्रेड होता है उसके साथ एक बहुत मज़े का लेयर डिज़र्ट बन रहा है. तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने कुकीज़ लेके क्रश करके उसको अपने ग्लास में डाल के मिल्क से रेगुलर नॉर्मल मिल्क से आपने उसको सोक कर लिया. सेकंड स्टेप वाज कि आपने एग पुडिंग जो रेगुलर मिल जाता है आराम से बाज़ार में वो लेके जिस तरह उसके पीछे लिखा हुआ है उसी तरह आपने उसको कुक करना है. इतनी देर के बस उसमें एक बॉयल आ जाए और हल्का सा रूम टेम्परेचर पर ला के फिर यहाँ पर 8 ounces का 200 grams का टब होता है क्रीम चीज़ का, वो एक ये मैंने क्रीम चीज़ ली है उसके अंदर मैं ये डालूँगी अपना एग पुडिंग. इसको रूम टेम्परेचर पे करके डालना है, ठीक है. और इसमें मैं डालूँगी इटालिया का 1/2 tin कंडेंस मिल्क, 1/2 tin. और इसमें जाएगी 1 cup क्रीम. क्रीम आपकी मर्जी है, यू कैन यूज़ व्हिप्ड क्रीम ऑल्सो, अदरवाइज़ आजकल आपको पता है मिल्क पैक की जो क्रीम है टेट्रा पैक आप वो भी यूज़ कर सकते हो. मेरी व्हिप्ड क्रीम है. रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है. उसको अभी मैं व्हिप करूँगी तो वो टाइम लगेगा. ये मेरी व्हिप की हुई है, मेरा डिज़र्ट जल्दी से सेट हो जाएगा. ऑब्वियसली मुझे उसको सेट भी करना है सो दैट मैं डेकोरेशन करके आपको बता दूँ. एग पुडिंग मिक्सचर, क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क एंड क्रीम बीटन, ये चारों चीज़ों को मैं बीट कर रही हूँ. कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम बिल्कुल जी, आप कैसे हो? आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप टीवी बंद कर दें प्लीज़ अपना. जी,
आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा, कॉल हमने ड्रॉप करवा दी बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। थैंक यू। बस ये हल्का सा बीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने बताया था दोनों स्प्रेड, मेरा हेज़लनट स्प्रेड और मेरा कुकी स्प्रेड, ये दोनों स्प्रेड, सिर्फ ये फ़र्क है इस स्प्रेड में जो कुकी स्प्रेड था इसमें मैंने आधा कप क्वार्टर कप वार्म मिल्क से इसको थोड़ा सा हल्का सा थिन किया है और क्रीम नेस्ले की डाली है। जो हेज़लनट स्प्रेड है इसमें मैंने सिर्फ क्रीम डाली है, जस्ट टू गिव इट अ वेरी नाइस ग्लॉसी टेक्स्चर। जी कॉलर हैं सबा, अस्सलाम वालेकुम सबा। बिल्कुल ठीक सबा, आप कैसे हो? थैंक यू, थैंक यू। ट्राई भी जरूर कीजिएगा सबा। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट लेयर कुकी, सेकेंड लेयर न्यू हेजलनट स्प्रेड और क्रीम का मिक्सचर, ठीक है। फिर थर्ड लेयर में मैं डालूंगी एग, जो हमारा कुकी का ये कस्टर्ड का मिक्सचर है। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ ये लगता बहुत खूबसूरत है, वरना आप आराम से इसको एक बड़े स्टैंडिंग बोल में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा मैं डालूंगी कुकी, क्रश्ड कुकी, उसको मैं सोक करूंगी मिल्क से, फिर दोबारा ये कस्टर्ड का मिक्सचर और फिर लास्ट में हम अपना ये स्प्रेड उस पर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद फिर इसको ठंडा हो जाएगा, फिर उसको मैं पाइप व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट करूँगी। अच्छा, जिन जिन को पता है स्प्रेड के बारे में, उस ये स्प्रेड के कुकीज़ भी आते हैं, सो आई हैव गॉट दोज कुकीज़, मैं वो कुकीज़ के साथ ही इसको डेकोरेट करूँगी। और अगर आपको दिल करे तो आप ये कुकी ना भी यूज़ करो, आप उस वो वाले कुकीज़ भी क्रश करके यूज़ कर सकते हो। मिल्क बिल्कुल थोड़ा सा, बल्कि मैं एक एक टीस्पून डालूंगी, आई डोंट वांट कि वो नीचे तक चला जाए। Another layer of the custard. Last में इस पे फिर मैं डालूंगी कुकी का स्प्रेड। बहुत दिल चाह रहा है, अगर कोई अच्छा सा स्पेशल ओकेजन है तो आप इसको इससे भी छोटे ग्लासेस में बना सकते हैं, जो आजकल सिंगल सर्विंग आ रहे हैं वो भी आराम से बन जाएगा। ऑफ कोर्स मेहनत होती है बट कभी कभी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस क्वांटिटी में आराम से हमारे इस साइज़ के 8 ग्लासेस बन जाएंगे, ठीक है। ये जो कुछ भी मेरे पास बचा हुआ है इससे और मेरे आराम से 4 ग्लासेस बन जाएंगे। कुकी वाला, कुकीज वाला वो है ये। ब्रांड्स के साथ काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, मुंह से भी निकल जाता है और कभी पता ही नहीं होता क्या बोलना है, बट ये ऑनेस्टली बहुत मज़े का बनता है। ये आप लोग इसको फ़ौरन ट्राई करिएगा। शर्त इसकी सिर्फ एक ये है कि इट नीड्स टू बी सर्व चिल्ड।
अगर आपके घर कोई दावत है कुछ है तो आप इसको एक दिन पहले बना दो टू बी ऑन द सेफ साइड. अब ये चला जाएगा फ्रिज में, फ्रीज़र में. मैं फ्रीज़र में डालूंगी बिकॉज मेरे पास टाइम कम है. और जब ये ठंडा हो जाएगा इसके ऊपर मैं क्रीम, विप क्रीम पाइप करूंगी. साथ ही मेरे पास यहाँ कुकीज़ हैं, वो मैं लगाऊंगी. थोड़ा सा ग्रेटेड चॉकलेट है एंड एनी चॉकलेट डेकोरेशन. एंड आई विल ऑल्सो ड्रिजल सम ऑफ दिस रिमेनिंग सॉस. ठीक है, ये हो गया. अब ये जाएगा फ्रिज में. ब्रेक में मैं 4 ग्लासेस और बना दूंगी बिकॉज ये बच गया है मेरा मिक्सचर. अच्छा, ब्रेक का भी टाइम हो गया है. डिज़र्ट जा रहा है फ्रिज में. आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा. वापस आके बहुत मज़े का हम बनाएंगे टर्किश कबाब प्लेटर. स्टे विद अस. हेज़लनट एंड कुकी स्प्रेड डिज़र्ट हमारा फ्रिज में जा चुका है. फ्रीज़र में मैंने उसको रख दिया है सो दैट वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा. बिल्कुल एंड में फिर मैं उसको डेकोरेट करके आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह सर्व करना है. अब हम बना रहे हैं टर्किश कबाब प्लेटर. प्लेटर की तरह इसको मतलब असेंबल करके सर्व करूँगी. बनाना बहुत सिंपल है, बस एक होता है ना नाम थोड़ा सा वो है. बहुत सिंपल है. आपने कीमा लेना है इसके लिए 1/2 किलो बीफ का डबल मशीन का. उसके बाद उसको आपने चॉपर में डाल के और थोड़े से बहुत थोड़े से मसालों के साथ उसको हम चॉपराइज़ करेंगे. मसाले मैंने इसमें क्या क्या डाले हैं, कुछ डाल दिए, कुछ आपके सामने डालूंगी. उसमें मैंने डाली है 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून. ये मैंने इसमें डाल दिया है. अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट. सॉल्ट मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून एंड ब्रेड क्रम्स. मेरे फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं. ये 2 स्लाइस के हैं. 1/4 कप डालना है मुझे, ये 2 स्लाइस है 1/4 कप. ये सबको मैं एक साथ चॉपर में चॉपराइज एक दफ़ा दोबारा कर लूँगी. थोड़ा सा ये हर बार मेरे साथ चूल्हों का और मशीन्स का होता है. नया किचन होता है तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं. आधा किलो कीमा, छोटी प्याज एक बारीक चॉप की हुई, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, फ्रेश डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स. सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई, पैप्रिका. पैप्रिका पाउडर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला. दैट्स इट, बस. अब ये जब अच्छे से चॉपराइज हो जाएगा फिर इसके हम छोटे छोटे कबाब बना के और फिर इसको हम पैन फ्राई करेंगे. पैन फ्राई करने के बाद एक साइड पे इसको रख देंगे. साथ ही फिर मैं इसकी टोमेटो प्यूरी और मिंट लीव्स के साथ इसकी बहुत मज़े की सॉस बनाऊंगी और ज़्यादातर राइस बनेंगे. आप लोगों को पता होगा टर्की में और सारे जो हमारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पर मिडल ईस्ट वगैरह में ज़्यादातर इज़ अ वेरी वेरी कॉमन स्पाइस. बहुत मज़े का होता है ये रहा ज़्यादातर स्पाइस. इसके साथ मैं चावल बनाऊँगी. चावल भी बहुत सिंपल हैं. बॉयल करके चावल मैं ले आई हूँ बटर में और ज़्यादातर स्पाइस में हम इसको सौते करेंगे और फिर मैं इसको असेंबल करूँगी. ये हुआ नहीं है, एक दफ़ा दोबारा करूँगी. कॉलर है हमारे साथ रिजवान लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आज आप केक बना रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डिजर्ट जो बना रही हैं वो बहुत मजे का लग रहा है। थैंक यू। आपको शौक है पकाने का? हाँ जी बहुत। ठीक है, तो फिर आप ये ट्राई करके रेसिपी जरूर हमें पेज पे बताइएगा आपको कैसी लगी और कैसी बनी। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई फरमाइश करनी है? हाँ जी, लखनवी बिरयानी की। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको आगे कमिंग वीक में ऐड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ मैं आपके सामने डाल रही हूँ, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। ठीक है, नेस्ले की ये मिल्क पैक योगर्ट है। मैं तो अपने घर में यही लेके आती हूँ, बच्चों को मैं यही देती हूँ। रीज़न इसका ये है कि आपको पता है आजकल बाज़ार से लेना मक्खियाँ, मतलब कितना हाइजीन का प्रॉब्लम है। दिस इज़ द बेस्ट, प्रॉपरली पैक्ड है हर चीज़, आपको पता है कि इट कैन नॉट गो रॉन्ग। प्लस टेस्ट एक है, ना खट्टा ना मीठा ना फीका ना कुछ, कॉन्स्टेंट एक ही टेस्ट रहता है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग अपने घर नेस्ले की मिल्क पैक योगर्ट ही लेके आएं। खाने में, नॉर्मल पकाने में, बच्चों को खिलाने में, किसी भी तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं दही इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। फ्राई इसको हम करेंगे आप सबके पसंदीदा इटालिया के ऑयल में। कोई भी इटालिया से वो बाखबर नहीं है, सबको पता है इटालिया जो हमारा ब्रांड है। स्पेन से इंपोर्टेड है, ये बेहतरीन ब्रांड है, ऑलिव ऑयल है, हर तरह का इसमें फ़ायदा है। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलिव ऑयल के इटालिया के 3 वर्जन्स हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक पॉमिस है और एक एक्स्ट्रा लाइट है, विच इज़ द बेस्ट फॉर योर सैलड्स, ड्रेसिंग, आप किसी भी चीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कीमा। अच्छा इसका आपका जो दिल चाहे, जिस तरह दिल चाहे आप इसका शेप बना सकते हैं। छोटे छोटे कोफ्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, छोटे सीख कबाब शेप भी बहुत खूबसूरत लगता है। शैलो फ्राई करना है इसको, डीप फ्राई वगैरह नहीं करना है, 2 से 3 टेबलस्पून बस। बिकॉज प्लेटर है, प्लेटर के उसमें हम इसको सर्व करेंगे, तो मैं इसको छोटे छोटे कोफ्तों के शेप में बना रही हूँ। मुझे मम्मी याद आ रही है, वो हर इन चीज़ों पे मुझे कहती है, तो मैं बहुत शौक है मेहनत करने का, बट बात मेहनत की नहीं होती, बात होती है कि चीज़ खूबसूरत लगती है। बड़ा बड़ा ऑब्वियसली बनाना आसान होता है, छोटा बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसकी टोमेटो सॉस जो हम बनाएंगे उसमें हम इनको कोट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम टोमेटो सॉस और नेस्ले की मिल्क पैक योगर्ट को हम ड्रिजल करेंगे अपने प्लेटर पे। पहले हम चावल अपने बना के प्लेटर में सारे चावल अरेंज करेंगे, उसके ऊपर हम अपने ये मीट बॉल्स डालेंगे, उसके बाद हम अपने जो हमारी मिंट लीव्स और टोमेटो प्यूरी वाली सॉस है वो ऊपर उसके ड्रिजल होगी और फिर दही। आप सोचिए कितना मज़े का बनेगा ये, एंड इट्स सो सिंपल, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें। इसमें आराम से आपके बड़े 2 प्लेटर बन जाएंगे। आधा किलो कीमा है, आप फैमिली छोटी है तो आप 1 पाव से भी बना सकते हैं। चावल का भी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपके सामने बनाती हूँ, बहुत सिंपल है। 2 कप आधा किलो चावल मैंने नॉर्मल जैसे घर में नमक डाल के बॉईल कर लिए थे, उसके बाद यहाँ पर मैं 2 आउंस बटर फ्राई करूँगी कढ़ाई में,
बटर में खुशबू अच्छी आती है, अदरवाइज़ आप इटालिया के ऑयल में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इक्वल टेस्ट आएगा। उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके चावल उसमें डाल के फ्राई करूँगी। नमक ऑलरेडी एडेड है उसमें, तो आई विल नॉट ऐड एक्स्ट्रा नमक। और फिर उसके ऊपर से हम ज़ातर का जो हमारा हर्ब है वो हम उस पर मिक्स कर लेंगे। कोई तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब तक कबाब बना रही हूँ, ये कबाब बना के मैं हल्के हल्के इनको फ्राई करूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके आ जाएं, जाना कहीं नहीं है क्योंकि अभी इसका पूरा प्रेजेंटेशन बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। यहाँ पर बन रहा है टर्किश कबाब प्लेटर। कबाब मैंने कोफ्ते छोटे छोटे बना के उसको पैन फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चावल रेडी कर लिए। चावल रेडी करना बहुत सिंपल था, आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए नॉर्मल नमक के साथ। उसके बाद उसको 2 ounce मक्खन लिया, 2 ounce मक्खन लेके किसी भी पैन में डाल के उसको हल्का सा मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उसमें मैंने चावल अपने डाल के थोड़ा सा स्टर फ्राई किया। उसके बाद उसमें मैंने ज़ातर मिक्स डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। ये चावल रेडी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी अपनी टोमेटो सॉस, और ये मैं बना रही हूँ जो हमारा कुकवेयर है, किचनवेयर जिसमें मैं बना रही हूँ, ये शेफ कुकवेयर है, ठीक है। ये पहला पाकिस्तान में ब्रांड है जिसने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया है। आई एम द लास्ट पर्सन हु यूजेस प्रेशर कुकर। मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करने से बहुत डर लगता है, मैं साफ बात बता रही हूँ, बट इसका प्रेशर कुकर मैंने अब डेफिनेटली ट्राई करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी मम्मी ने इतनी तारीफ की है तो मैं अब इसका प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी। और बेस्ट चीज़ इसकी क्या है कि ये ऑनलाइन परचेज भी आप कर सकते हो उसको, तो इतना कन्वीनियंट है ये। आजकल तो आपको पता है कि जाना आना बेहतर है कि आप हर चीज़ ऑनलाइन पर मंगवा लो। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है 10 to 12 minutes। यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस जो मेरी बनेगी उसके इंग्रेडिएंट्स एक जगह कर लिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग वो नहीं करें। स्पाइसेस मैं भी आपके सामने डालूँगी। इसमें मैंने सिर्फ टोमेटो प्यूरी डाली है 1 cup, ठीक है। ऑयल इसमें मैंने 1/4 cup डाला। पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स चॉप्ड, इसमें मैंने 2 tablespoons डाले। चॉप्ड गार्लिक 1 tablespoon डाला। विनेगर 2 tablespoons, ठीक है। ये सब कुछ चला गया। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस और चूल्हा जला दूँगी मैं। और इसमें भी हम यूज़ करेंगे नेस्ले की मिल्क पैक दही। स्पाइसेस में जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड चिली पाउडर, सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। सॉल्ट इसमें मैं डालूंगी 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon एंड चिली पाउडर 1/2 teaspoon। ये सब कुछ डाल के इसको मिक्स करना है। वेरी सिंपल सॉस, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी से इनकी इतनी खुशबू आ रही है, इसके चावल की भी, सॉस की भी, ये हमारे कबाब की भी। टोमेटो प्यूरी, क्रश गार्लिक, वाइट विनेगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड मिंट लीव्स, ये सारी चीज़ों के साथ आपने अपनी सॉस बना लेनी है।
और फिर हम प्लेटर में अरेंज करेंगे चावल। चावल के ऊपर मैं रखूंगी अपने कबाब, कबाब के ऊपर टोमेटो सॉस और ऊपर से नेस्ले की मिल्क पैक दही ड्रिजल होगी। ये अभी थोड़ा सा कीमा मेरे पास बाय द वे बचा हुआ है, आपको अगर ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी बनी है, बट ये आई थिंक मेरे एक प्लेटर के लिए ये अभी काफ़ी है इसलिए मैंने रोक दिया। अच्छा, ये सॉस कबाब को सॉस में आपने वो नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। सॉस हो गई है, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। सॉस को इतनी देर आपने मिक्स करना है कि ये बस एक बॉईल इसमें आ जाए। इट्स डन। अच्छा, जब तक ये कबाब हो रहे हैं मैं एक काम ये करूँगी कि मैं अपनी नेस्ले की मिल्क पैक योगर्ट को हल्का सा मिक्स करके ख़त्म हो गया और मैं इसको अपनी स्क्वीजेबल बॉटल में डालूंगी। ठीक है, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, आप लोगों को पता है सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसके लिए भी दिल चाहे यू कैन यूज इट। साफ सुथरी है, कोई टेंशन नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। ये मैं इसको अपनी स्क्वीजेबल बॉटल में डालूंगी। अगेन ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर इतना टाइम है, मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, बिकॉज़ चम्मच से भी डाल सकते हैं बट इससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी, चम्मच से वो अनटाइडी लुक आता है। कबाब का भी चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। कॉलर है हमारे साथ निमरा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती थी। अजब आपकी आवाज़ सेम टू सेम शिरीन आंटी जैसी लग रही है। अच्छा, थैंक यू। आपने आज पहली बार देखा है या पहले भी देख चुकी हुई हैं मेरा शो? मैं आपका शो देख चुकी हूँ, ये बस बात अब पहली बार हो रही है। अच्छा, तो आपने रेसिपीज ट्राई की थी पहले? जी, मैंने आपकी कपकेक जो आपने बनाए थे ना, पिज्जा कपकेक में जो पिज्जा बनाए थे, वो मैंने ट्राई किया था, बहुत जबरदस्त बना था। थैंक यू। और कोई आपके शॉप पे आपने किया था शायद? अच्छा, आप कुछ और फरमाइश करेंगे? नहीं, बस ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखा दे। ब्लैक फॉरेस्ट केक, ठीक जी, ठीक है। कल हमारे साथ शेफ अरशद हैं। कल है ब्लैक फॉरेस्ट केक? कल क्या है हमारा मेन्यू? ठीक है, कल है, कुछ है, आप कल भी जरूर देखिएगा, कल शेफ अरशद है हमारे साथ। ठीक है, मैं देखूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह आप एक प्लेटर बनाएं, दो प्लेटर बनाएं, जितना आपका दिल चाहता है आप उस तरह, आधा किलो में आराम से आपके इस तरह के इसी साइज के दो प्लेटर बन जाएंगे। इसमें जो सारा मज़े वाला जो बिल्कुल एक टेस्ट है वो
एक तो चावल में ज़ातर का है एंड सेकेंडली जो हमारी टोमेटो सॉस में मिंट लीव्स हैं उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है ये हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी अपना टोमेटो सॉस। ये देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, ठीक है, एक को मैंने उसमें डाल दिया है, एक को मैं इसी तरह ड्रिजल करूँगी। इसको मैं उसमें नहीं डाल सकती थी सॉरी, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वो है पुदीना है, गार्लिक क्रश्ड है, तो हो सकता था वो उसमें फंस जाता, इसलिए मैंने दही को डाल दिया और इसको मैंने ऐसी चम्मच से डाल दिया। आप दही भी इसी तरह डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब आपके पास बॉटल नहीं है आप जाएं बॉटल ख़रीदें। बस इवनली ये पूरे प्लेटर पे स्प्रेड हो जानी चाहिए। नेस्ले मिल्क पैक, लास्ट में हम इस पर गार्निश करेंगे हरे धनिया का पत्ता, वो आपको पता है कि उसके बगैर मेरी कोई भी चीज़ अधूरी है। कुछ भी नहीं देखे आप, मैंने दही में भी कुछ भी नहीं मिलाया, वो बिल्कुल इतनी उसका ज़बरदस्त टेक्सचर है कि वो ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे डेफिनेटली फीडबैक भी चाहिए होगा। ठीक है इसको मैं मज़ीद गार्निश करके अपने टेबल पर लेके जा रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है, अभी एक बहुत मज़े की रेसिपी बाकी है। ठीक है तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जब आप लोग गए थे तो मैंने टर्किश प्लेटर को असेंबल करके और अपने टेबल पर उसको निकाल दिया है। इस पर थोड़ा सा मैंने ऊपर से ज़ातर मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा और ज़ातर स्प्रिंकल कर दिया था, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे ज़ातर का फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था। ये रेडी है, नेक्स्ट मैंने मीठा भी चेक किया, ऑलमोस्ट सेट हो गया है। नेक्स्ट ब्रेक पे जब मैं जाऊंगी तो मैं उसको भी निकाल के क्रीम पाइप करके सर्विंग टेबल पे रख दूंगी। अब हम बना रहे हैं बहुत मज़े के स्टिकी मटन चॉप्स इन स्टिकी सॉस। अच्छा आप लोगों को पता है यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी होती है, बट इस तरह की कोई प्रेपरेशन नहीं है जो आप बगैर देखे ना कर सके। कुछ भी नहीं मैंने किया है, बहुत सिंपल तरीके से चॉप्स को मैंने बॉयल कर लिया। आपको पता है मटन को गलाना टाइम लगता है, वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने उसको बॉईल कर लिया है। किस तरह बॉईल किया है मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने इटालिया का ओलिव ऑयल डाला है, इसमें हम अपने चॉप्स मटन चॉप्स फ्राई करेंगे और उसके बाद स्टिकी सॉस में बना के सर्व करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये चॉप्स, जिस तरह के वो नहीं बनते स्वीट एंड स्वीट चिली सॉस वाले विंग्स चिकन विंग, उस तरह का बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। अच्छा बहुत सिंपल है, आप लोग को मैं बता रही हूँ आप लोग समझ लें, कोई चीज़ रह जाए कोई चीज़ समझ नहीं आए प्लीज़ आप लोग पेज पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। आधा किलो चॉप्स लेने हैं मटन के, ठीक है, उसको आपने किस तरह बॉयल करना है, उसमें आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, दिस इज़ नॉर्मल सोया सॉस, मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ नहीं की थी। उसके बाद साबुत हरी मिर्चें 3 और पानी 2 कप। चॉप्स को इतना गलाना था कि ऑब्वियसली चॉप्स गल जाएं और पानी सूख जाए, बेशक वी डोंट नीड द वाटर, तो स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, सूख गया कोई बात नहीं। ये आधा किलो चॉप्स बॉयल हो गए, रेडी हैं ये फ्राई होने के लिए। अब यहाँ पर 1 अंडा और 3 टेबलस्पून दूध के साथ मैंने ये बैटर इधर बना लिया है। अब मैं इस बोल में बनाऊंगी ड्राई
फ्लावर का मिक्सचर जिसके अंदर ये चॉप्स कोट होंगे और फिर फ्राई होंगे. उसके लिए मुझे चाहिए रेगुलर मैदा, आटा नहीं मैदा. मैदा मुझे चाहिए 3/4 कप, ये 1 कप है ठीक है, मैं कम कर रही हूँ. 3/4 कप फ्लावर, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, ओरिगैनो लीव्स 1 टीस्पून. ठीक है, ये सब कुछ इसमें चला गया. अब इसका मैं बैटर बिल्कुल नहीं बनाऊंगी. मैं बैटर बनाने वाली थी, इसका बैटर नहीं बनेगा, ये ड्राई फ्लावर में कोट होंगे चॉप्स. ठीक है, सॉस पे अभी मैं नहीं आ रही क्योंकि अगर मैं सॉस को भी अभी समझा दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी मैंने आपको ये बता दिया कि हमने चॉप्स को किस तरह बॉईल किया, ड्राई फ्लावर का मिक्सचर बना लिया और यहाँ पर 1 अंडा और 3 टेबलस्पून मिल्क का मिक्सचर बना दिया. ठीक है, अब करना क्या है, हमने कि एक एक चॉप्स को उठा के उसको मैं ड्राई मिक्सचर में डालूँगी. पहले तेल मेरा गर्म हो गया है क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी, अब टाइम थोड़ा कम है. ये मैंने इटालिया का पॉमेस ऑयल डाला है इसमें. ठीक है, आप लोगों को पता है डायरेक्ट स्पेन से आता है ये. ओके, चॉप्स को उठाया, पहले ड्राई में डालना है, पहले ड्राई में कोट करना है, उसके बाद अंडे में और फिर दोबारा ड्राई फ्लावर में. मुझे चमचे बहुत यूज करने की आदत है. ये देखें, ठीक है, मीडियम पे आप फ्राई करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली चॉप्स बिल्कुल फ्राई हुए हुए हैं, बॉईल हुए हुए हैं, रेडी हैं. कोट इन ड्राई मिक्सचर, डिप इन एग मिक्सचर, देन अगेन कोट इन ड्राई मिक्सचर. अच्छा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है. जब तक मैं ये चॉप्स फ्राई कर रही हूँ आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ जाएं, सॉस फिर मैं आपके सामने बनाती हूँ. स्टे विद अस. वेलकम बैक. ये मैंने कहा मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, मैं थोड़ा सा अपना ये क्रीम पाइप कर दूं. मेरे पास ये चॉकलेट ग्रेटेड है. कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक रंजीता, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine and very nice and pleasure to see you back on the show. Thank you so much. I had gotten your message, I had read your message. Thank you so much for always appreciating me. Thank you. No, you deserve it, Sumera. You are like another teacher for me. Thank you. Apart from CRG.
You are another teacher to me. Thank you so much. It's very, very sweet of you. You have a lot of caliber and do well and all the best for 3 weeks. And hopefully, hum aapko ek exclusive show mein masala pe dekhe. Thank you. Inshallah. EWS auntie ke saath hi acha lagta hai. Aapki ek naya show hona chahiye. Bilkul, bilkul. Mere bhi khud haath idhar bahut kaampte hain. Thank you so much for calling. Thank you. Lots of love. Bye-bye. अच्छा यहाँ पर चॉप्स मेरे क्रिस्पी बिल्कुल मज़े के क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं. अब मैं इसकी स्टिकी सॉस बनाऊंगी. ठीक है, स्टिकी सॉस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सबको एक साथ सिर्फ मिक्स करना है. इसके लिए मुझे चाहिए सेसमी ऑयल. सेसमी ऑयल जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून. इसमें मैं डालूँगी क्रश्ड गार्लिक. क्रश्ड गार्लिक इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून. और इसमें जाएगी डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून. चिली, स्वीट चिली सॉस. स्वीट चिली सॉस इसमें मैंने डाल दी 1/4 कप. और इसमें जाएगी शुगर 3 टेबलस्पून्स. विनेगर, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून्स. मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते 2 टेबलस्पून्स. ठीक है, और इसमें एक स्पेशल चीज़ जाएगी इटालिया की हनी. मेरे घर में कोई काम इटालिया के बगैर नहीं होता, बिकॉज इटालिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स और सॉसेस और सब कुछ. कॉर्न, मशरूम, हर चीज़, चाहे मेरी केटरिंग हो, चाहे मेरी क्लासेस हो, हर जगह इटालिया ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ. ठीक है, हनी भी चली गई. अब इसको मैं सिर्फ मिक्स करूंगी. शुगर है इसमें, इतना मिक्स करना है कि चीनी को डिसॉल्व हो जाए. अच्छा, अभी रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है. ठीक है, तो मैं जब तक इसको मिक्स करूंगी, अपने चॉप्स इसमें कोट करूंगी. डिश आउट मैं इसको आपके साथ करूँगी. जो कुछ भी आप लोगों से मिस हो गया है, वो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है रिकैप ब्रेक में, रिकैप पे देख लें. फिर भी अगर कुछ ना समझ आता है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू मैसेज अस. स्टे विद अस. मटन चॉप्स इन स्टिकी सॉस. अच्छा, बकरे की चापे आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद, पानी 2 कप, कोटिंग के लिए अज्जा, मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, एग वॉश के लिए अज्जा, अंडा 1 अदद, दूध 3 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए स्टिकी सॉस के अज्जा, तिल का तेल 2 खाने के चम्मच, कुटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, कटा पुदीना 2 खाने के चम्मच, चीनी 1/4 कप, शहद 3 खाने के चम्मच, स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, तिल सजाने के लिए. तरकीब, चापों को पानी, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और सोया सॉस डालकर उबाल लें. अब एक बोल में कोटिंग के अज्जा डालकर मिक्स करें, फिर एक बोल में एग वॉश के अज्जा मिक्स कर लें. उसके बाद चापों को पहले कोटिंग के अज्जा में रोल करें, अब इन्हें एग वॉश के अज्जा में डिप करें और दोबारा कोटिंग में रोल करके एग वॉश में डिप करके डीप फ्राई कर लें. स्टिकी सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके सॉस के अज्जा फ्राई करें. आखिर में चापों को सॉस में कोट करके तिल छिड़क कर सर्व करें. हेजलनट एंड लेयर्ड डिज़र्ट. पहली लेयर के लिए अज्जा, बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत 2 कप, हेजलनट लेयर के लिए अज्जा, हेजलनट 1 कप, क्रीम 1 कप, पुडिंग लेयर के लिए अज्जा, एग पुडिंग 2 पैकेट, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 टिन, फिटी हुई क्रीम 1 कप, चौथी लेयर के लिए अज्जा, बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत दूध भिगोने के लिए, आखिरी लेयर के लिए अज्जा, बिस्किट स्प्रेड 1 कप, नीम गर्म दूध 1/4 कप, क्रीम 1/2 कप, टॉपिंग के लिए अज्जा, कुटी चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, हेजलनट ड्रिजल के लिए. तरकीब,
पहले पुडिंग को पकाएं। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम चीज़, फिटी हुई क्रीम और क्रीम शामिल करके फेंट लें। फिर डिश पर बिस्किट्स की लेयर बनाएं, उसके बाद इस पर दूध छिड़क दें। अब क्रीम और हेज़लनट को पिघलाएं और बिस्किट्स पर फैला दें। फिर इस पर आधी पुडिंग का मिक्सचर शामिल कर लें। उसके बाद बिस्किट की लेयर फैलाएं, अब दूध छिड़कें और आधी पुडिंग डाल दें। फिर इसे बिस्किट स्प्रेड की लेयर से कवर करके दूध में मिक्स करें। उसके बाद टॉपिंग के अज्जा की लेयर बनाएं और सर्व करें। टर्किश कबाब प्लेटर। कबाब के लिए अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, दही दो खाने के चम्मच, कटी प्याज एक अदद, ब्रेड क्रम्स एक चौथाई कप, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पेपरिका एक चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, टोमेटो सॉस के अज्जा: टोमेटो प्यूरी एक कप, तेल एक चौथाई कप, कटा पुदीना दो खाने के चम्मच, कटा लहसुन एक खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, सिरका दो खाने के चम्मच। चावलों के लिए अज्जा: उबले चावल आधा किलो, मक्खन दो खाने के चम्मच, ज़ातार स्पाइस एक खाने का चम्मच, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कबाब के लिए तमाम अज्जा को चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इन्हें सीख कबाब की शक्ल दें और पैन फ्राई कर लें। चावलों के लिए उबले चावलों को ज़ातार स्पाइस, नमक और मक्खन में पैन फ्राई कर लें। टोमेटो सॉस के लिए एक पैन में सॉस के तमाम अज्जा शामिल करके गाढ़ा सॉस बनाएं। फिर एक डिश में चावल फैलाकर दही शामिल करें। उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर कबाब की बनाएं और मज़ीद दही शामिल करें। अब इस पर टोमेटो सॉस डाल के हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। मटन चॉप्स इन स्टिकी सॉस। अज्जा: बकरी की चापे आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, काले मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, सोया सॉस एक खाने का चम्मच, हरी मिर्चें तीन अदद, पानी दो कप, कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा तीन चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर एक चौथाई कप, नमक एक चाय का चम्मच, चिकन पाउडर एक चाय का चम्मच, ओरिगानो एक चाय का चम्मच, पेपरिका एक चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर एक चाय का चम्मच, काली मिर्च एक चाय का चम्मच, एग वॉश के लिए अज्जा: अंडा एक अदद, दूध तीन खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए। स्टिकी सॉस के अज्जा: तिल का तेल दो खाने के चम्मच, कुटा लहसुन एक खाने का चम्मच, कटा पुदीना दो खाने के चम्मच, चीनी एक चौथाई कप, शहद तीन खाने के चम्मच, स्वीट चिली सॉस एक चौथाई कप, नमक एक चौथाई चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, डार्क सोया सॉस एक चाय का चम्मच, सिरका दो खाने के चम्मच, तिल सजाने के लिए। वेलकम बैक। चॉप्स रेडी हैं, सॉस भी रेडी है। मैंने चॉप्स को इसमें अच्छे से कोट कर लिया था। अब जो मेरे पास रिमेनिंग सॉस है उसको मैं पोर कर दूंगी अपने चॉप्स पे। ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज़ बहुत अच्छे से मैंने इनको कोट कर लिया है, बट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या कहेंगे? मैं लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी समीना, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यू वेलकम। मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। रियली? थैंक यू सो मच। I tried your buffalo bites and I tried your marmalade coconut pudding. Really? And it turned out awesome. I'm so glad. You must try these recipes also. Plus, I'm here for another couple of weeks. So, बहुत सारी नई नई चीजें I have given. यहाँ पर सारी almost नई चीजें हैं. तो आप लोग please देखना. Inshallah. Yeah, मैं आपके I watch your shows on YouTube. Oh, okay. Any request? No, alhamdulillah. नहीं? To fulfill all our requests. ठीक है. Thank you so much for calling and thank you so much for appreciating. Yes. You must try all my recipes, which I will be doing. Inshallah. Thank you, Samina. अच्छा, I hope आप लोगों को आज का show समझ आ गया होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई चीज़ अगर रह गई है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आप लोग इवनिंग विद शिरीन के पेज पर जाकर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। और आई थिंक रेसिपीज़ और पिक्चर्स बहुत जल्द अपलोड हो जाती हैं, बिकॉज मैं सुन रही होती हूँ, कुछ कंप्लेंट्स होती नहीं हैं,
पहले होती थी अब नहीं होती हैं, तो आई थिंक ये जल्दी हो जाएंगी. तो अगर कुछ मिस आउट हो गया है, आपको कुछ बनाना है, तो जो कुछ भी है यू कैन ऑलवेज गो ऑन द पेज एंड हैव अ लुक. ठीक है, कल ट्यूसडे है, आप लोगों को पता है शेफ अरशद एवरी ट्यूसडे इवनिंग विद शिरीन पर होते हैं, तो वो कल भी हमारे साथ होंगे. एंड आई एम श्योर, मुझे इस वक्त आई एम वेरी सॉरी कल का मेन्यू याद नहीं है, बट डेफिनेटली शेफ अरशद होंगे तो मेन्यू उनका भी बहुत ही अच्छा होगा. तो इंशाल्लाह कल शेफ अरशद के साथ हमारी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, और दो तीन चीज़ें जो भी वो सिखाएंगे वो हम सीखेंगे. इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आज तक मैंने भी उनसे कुछ नहीं सीखा है, तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. एंड कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से सेम 6:30 पे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.